आज स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। मेरा टॉपिक है एक सैमसंग का मोबाइल B315 मॉडल है, जो ये नया मॉडल है सैमसंग का, इधर ही लाल फिलहाल में आया हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है तो हम आपको बता देते हैं। प्रॉब्लम इसमें डिस्प्ले वाइट मारता है, तो इसका प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस फ़ोन को हम लोग खोल लेते हैं, जितना टाइम लग गया ओपन करने में, क्योंकि यहाँ मोबाइल पूरा चालू हो रहा है और वाइट आ रहा है डिस्प्ले। तो वाइट डिस्प्ले आ रहा है, जो इसको हम लोग रिपेयर करने के लिए खोल रहे हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ट्रिक लाते रहते हैं बढ़िया से बढ़िया कोई फ़ोन का मॉडल का। चलिए फ़ोन ओपन हो चुका है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि इसका कैपेसिटर के वजह से डिस्प्ले लाइन नहीं आ रहा, मतलब वाइट मार रहा है डिस्प्ले। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे छोटे कैपेसिटर को हम लोग रिपेयर करेंगे, और इससे रिपेयर करने से अगर नहीं होता है तो आप जो है पहले हम लोग पहले रिपेयर करके देखेंगे। छोटे छोटे कैपेसिटर के ऊपर सोल्डिंग मारना है लगातार, जितना भी कैपेसिटर है डिस्प्ले वाला, क्योंकि ये 315 मॉडल है सैमसंग का। तो ये हम लोग जूमिंग कर देते हैं तो आप लोगों को इसमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जैसे तो छोटे छोटे पहले कैपेसिटर को अच्छे से रिवॉल कर लीजिए, उससे क्या होता है कि मतलब डिस्प्ले का ब्रेकनेट, मतलब इसका वाइट वाला डिस्प्ले जो सफ़ेद मार रहा है, तो ये फिगर इसका आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिस्प्ले भी इसके अंदर न्यू लगाए हुए हैं, डिस्प्ले इसका ओरिजिनल कंपनी की तरफ से है। तो इसको हम लोग रीसोल्डिंग करके देखे थे, ये रीसोल्डिंग फिर से हम लोग कर देते हैं, क्योंकि ये सोल्डिंग मजबूत होगा तभी जाके डिस्प्ले का फिगर भी आएगा। तो हम यहाँ पे इसको लगा के अब चेक कर लेते हैं कि आया कि नहीं आया फिगर। यहाँ थोड़ा सा समय देखते हैं कि कैपेसिटर जितना भी है सब परफेक्ट सोल्डिंग हो चुका है, क्योंकि हल्का सा पानी में से गया हुआ है, इसके वजह से ये फोन सफ़ेद होता है। तो वाटर लेने से पहले छोटे छोटे कैपेसिटर को हम लोग रिपेयर अच्छे से कर लेते हैं। इसको सोल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर भी आयरन की मदद से ही कीजिएगा। तो यहाँ हम लोग पहले फेज होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे से रोल करके देख रहे हैं, यहाँ सैमसंग का फोन काफ़ी मतलब इससे अच्छा जो मॉडल आता है, तो क्या कैपेसिटर छोड़ दीजिए काम बन जाता है। तो इसमें जो 315 वाला जो है इसको हम लोग रिवॉल्व करके पहले अच्छा रहता है, बाकी को हम लोग छोटे छोटे कैपेसिटर को रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि फोन का मतलब करेंट जो होता है जो आई कैपेसिटर खराब है तो रिवॉल्व से वो सही हो जाता है। हमारा काम है आप लोगों को बताना और समझाना किस तरह इस फोन को सफ़ेद वाला मतलब वाइट डिस्प्ले मार रहा है, तो उसको रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं। कितना यहाँ समय लग जाए, हम लोग यहाँ सोल्डिंग अच्छे से कर रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल पर होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चेक कर लेते हैं कि अब काम करता है कि नहीं, बैटरी लगा के हम लोग चेक करते हैं। बैटरी लगा के ऑन किए हैं तो फिर भी सफ़ेद मार रहा है, तो देख सकते हैं ये सफ़ेद मार रहा है। तो चलो एक बार इसके आईसी डिस्प्ले आईसी को हम लोग रिवॉल्व कर लेते हैं, सबको रिवॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद चेक करेंगे कि आता है कि नहीं, कैसे इसका प्रॉब्लम सफ़ेद का सॉल्व होगा। तो हम लोग आयरन से यहाँ पर जितना हो सके तो हम लोग पहले कोशिश किए, तो आज इसको हम लोग रिवॉल्व करके देखते हैं कि कंडीशन सुधार हुआ कि नहीं। तो यहाँ आईसी को आपको उखाड़ना नहीं है, सिर्फ रिवॉल करना है, हल्का हल्का हिलाना है, और 380 मतलब टेम्परेचर रखिए गर्म का हवा। तो यहाँ पूरा कंप्लीट हीट हो चुका है, सब आईसी रिवॉल हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से चेक कर लेते हैं कोई कैपेसिटर से सटा हुआ तो नहीं ना आईसी रिवॉल करने के फिर में। तो यहाँ रिवॉल्व तो अच्छे से हो चुका है परफेक्ट,
तो अब यहाँ पे हम लोग बैटरी उटरी लगाए चेक करेंगे कि फ़ोन में अब इसका फिगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं बैटरी लगा के। स्टीरियो स्टीरियो सब पैक कर दिए, तो लगा के चेक करते हैं क्या रीज़न है। तो चलिए यहाँ ब्रेकनेट आ चुका है, मतलब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इसको रिवॉल्व आईसी को कीजिएगा आराम से, तो 100% आपका डिस्प्ले का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सफ़ेद डिस्प्ले का प्रॉब्लम। तो इसी तरह अपने मोबाइल का, सैमसंग का, फ़ोन का, आपका डिस्प्ले का प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारे शेयर कीजिए। 315 मॉडल जो इसमें आपको तो पता था, इसको रिवॉल्व अच्छे से कर लेना है, 100% वर्क करेगा, काम करेगा।